वैसे कैसा चल रहा है जासूसी वाला धंधा? उसका भरोसा नहीं जीत पाया अभी तक मैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि मैं निजात की परवाह करता हूँ। आपको उसकी कितनी फिक्र है ये पता चल जाए तो शायद इस काम में आसानी हो जाए। चाहे बात कोई भी हो, लेकिन तुम बात को घुमा फिरा कर उसी मौजू की तरफ वापस ले आती हो। हांदे ने धमकी दी थी कि वो बाबा को सब बता देगी। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं बात को बिगड़ने से पहले ही उसे संभाल लेता। तो मतलब तुमने भी बैरन साहिबा का सच छुपाकर बहुत बड़ी गलती की, मान रहे हो ना तुम ये? तुम्हारे माँ बाप के होते हुए मैं ये सब बताता अच्छा लगता। ये जानना चाह रहे थे ना कि वो कौन है जिस कंपनी के पीछे है? मुझे भी नहीं मालूम। शुक्रिया, लेकिन ये सब तुमने यूं अचानक क्यों बता दिया हांदे? हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर रहे, तुमने हमेशा साथ दिया मेरा। मजबूरी के तहत नहीं था, बल्कि मैं चाहता था इसलिए साथ था। अच्छा है कि तुम साथ हो, हमेशा रहो उम्मीद है। ये तो हैरी का फोन है। तुम पैसे कब भेजोगे? बच्चे पूछ रहे हैं कि तुम कब आओगे। तुम्हारे बेटे ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है और वो चाहता है कि उसके बाबा भी देखने आए। इस हफ्ते छुट्टी लेकर आ जाना, भूल मत जाना। तुम बीवी बच्चों वाले हो। निजी जिंदगी को काम के साथ नहीं मिलाना चाहिए। सोना की वजह से नफरत करती हूँ मुझसे, मैं जानती हूँ। सारकान की वजह से है मुझे आप पे गुस्सा। क्या कहा? क्योंकि आप सारकान की कमजोरी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। कौन सी कमजोरी उसकी? सारकान और आपके दरमियान क्या था मैं जानती हूँ। सारकान प्यार करता था आपसे और आप आज भी उसी का फायदा उठा रही हैं। आप एक दफा फिर उसे अपनी तरफ मतवजा कर लेंगी और जब आपका काम हो जाएगा तो आप उसे छोड़ देंगी। ये सारकान नहीं देख सकता, मैं देख सकती हूँ, इसलिए आपको पसंद नहीं करती।